नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम इस वीडियो में एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। स्टॉक के ऊपर चर्चा करने के पीछे की वजह है कि क्या ये स्टॉक भरोसे की चाबी है, क्योंकि अभी तक इस स्टॉक ने एकदम बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। निवेशकों को अच्छा खासा मालामाल बनाता हुआ ये स्टॉक दिखा है। और यहाँ तक कि जो और भी दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स की बात की जाए या ब्रोकरेजेस की बात की जाए, वो स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब भरोसे की चाबी की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले हमेशा कंपनी का मार्केट शेयर को आपको देखना चाहिए कि मार्केट शेयर के मामले में कहाँ स्टैंड करती है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिगो की, जिसको इंटर ग्लोब एविएशन के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनी जो लिस्टेड है, इसी नाम से लिस्टेड है। इसकी जो हिस्सेदारी है, मार्केट शेयर है, वो करीब करीब 62% है। जी हाँ, 62%। आप सोचिए कितना बड़ा स्टेक इसका, एक तरीके से कहें कि पूरी मार्केट को इसने कैप्चर कर रखा है। दूसरे नंबर पर आता है एयर इंडिया, 14.5% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है। तीसरा विस्तारा, करीब 10% के आसपास। अकासा एयर, करीब 7.5% के आसपास हिस्सेदारी है। एयर एक्सप्रेस की बात की जाए तो करीब 4.5%, और स्पाइस जेट आखिरी में 3.1%, उसके बाद अदर्स आते हैं। इंडिको की अगर आप मार्केट शेयर देखें तो 62% बनता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक भी देखें, यहाँ पर जो फ्लाइट जाते हुए देखते हैं, अगर आप फ्लाइट्स लेते हैं, हवाई सफ़र करते हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके का ट्रैफिक इंडिको में देखने को मिल रहा है। मौजूदा भाव में अगर आप इसका स्टॉक का भाव देखें तो करीब 4,440 के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक साल में 80% स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अगर आप एक महीने में देखें तो कोई खास रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर आप 6 महीने में देखें तो स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। निवेशकों को मालामाल बना के इसने दिखाया है स्टॉक ने। अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं और बहुत अहम रिपोर्ट्स हैं, उसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, छोटे स्टॉक में निवेश करते हैं। 10 रुपये का स्टॉक है डाल दिया है, 100 रुपये का स्टॉक है उसमें डाल दिया, वो धीरे धीरे करके चलिए 110 का होगा, 120 का होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही स्टॉक आप मान लीजिए जो 4,400 रुपये के आसपास का है, ये स्टॉक 5,500 का हो जाए, तब क्या कीजिएगा। तो आप सोचिए कि एक तो आपको फंडामेंटली मजबूती मिलेगी स्टॉक में, दूसरी ओर से आपका पैसा भी एकदम से बढ़ता हुआ दिखेगा। ये मार्केट एक्सपर्ट सलाह देते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे साझा करी। अब यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स आई हैं जो साफ तौर पे इसको भरोसे की चाबी बता रहे हैं, जेफरीज़ और HSBC की। तो सबसे पहले हम जेफरीज़ की बात कर लेते हैं कि जेफरीज़ ने क्या कहा है, तो उसके बाद हम HSBC पे आएंगे। तो देखिए, जो जेफरीज़ है उसने जो रेटिंग है वो डबल अपग्रेड करके इसको होल्ड करने की सलाह दी, यानी कि जो उसकी रेटिंग है इसको डबल अपग्रेड किया है। इसके साथ ही जो उसका टारगेट प्राइस है, उन्होंने जो पहले टारगेट प्राइस रखा था 4,400 रुपये के आसपास रखा था, उससे बढ़ाकर 5,225 रुपये कर दिया है। अब आप सोचिए कि 4,400 रुपये से बढ़ाकर 5,525। इनका ये कहना है कि इंडिको जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, कई तरह से नई शुरुआत कर रही है, बिज़नेस वर्टिकल्स में आगे बढ़ रही है। और इनका ये भी मानना है कि 1 से 1.5 साल में लगातार चौंकाने वाले इन्होंने नतीजे दिए हैं। ऑपरेशन फ्रंट पर इसका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रहा है और ग्रोथ की और भी ज़्यादा गुंजाइश है, तगड़ी गुंजाइश यहाँ पर उनको दिखती है। HSBC की बात की जाए, HSBC ने यहाँ पर खरीदारी की रेटिंग दी है और साफ तौर पर जो टारगेट प्राइस है वो 5,160 रुपये के आसपास कर दिया है। वही मैं आपको जो बता था, 4,400 रुपये से आप सोचिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए स्टॉक यहाँ तक भागता है, पहुँचता है, तो निवेशकों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फंडामेंटली मजबूत कंपनी होगी तो कोई बहुत ज़्यादा एकदम धड़ाम हो जाए, ऐसा भी कोई डर रहेगा नहीं। ब्रोकरेज का यहाँ पे कहना है कि इंडिको ने बिज़नेस क्लास जो पीछे लॉन्च किया है, देखिए पीछे कुछ समय पहले कंपनी ने बिज़नेस क्लास अपना लॉन्च किया, उसको विस्तारा और एयर इंडिया को साफ तौर पे एक तगड़ा कंपटीशन मिलता हुआ दिख सकता है इसमें। अगर ना भी मिले बहुत ज़्यादा मार्जिन्स ये ना करे इम्पैक्ट, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रैफिक जो है वो इंडिको की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। और धीरे धीरे इंडिको की खासियत है कि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है यहाँ पर। अब बिज़नेस क्लास में धीरे धीरे जिस तरीके से इस पर बढ़ोतरी होगी, तो इसका असर इसके मार्जिन्स पर भी दिखेगा और कॉम्पिटिशन सीधे तौर पर यहाँ पर जो भी एयर इंडिया है या विस्तारा है उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ कि 5 अगस्त को इंडिको स्ट्रेच नाम से ये एक जो प्लान था उसको पेश किया था। इसमें नया कस्टमाइज बिज़नेस प्लान प्रोडक्ट था एक तरीके से, और इसके तहत दिल्ली से देश के जो 12 मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रीमियम हवाई सफ़र जो होती है कंपनी वहाँ पे कराएगी ये, और हर फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की 12 सीटें दी जाएंगी, ये इन्होंने जानकारी दी थी। और ये जो पहली बिज़नेस क्लास फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई के बीच नवम्बर के बीच में शुरुआत तक इसकी हो जाएगी। तो जो ब्रोकरेजेस हैं उनका साफ तौर पे मानना है जो ये
इंडिगो ने जो कदम उठाया है यहाँ पे बिजनेस क्लास को कैटर करने का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसका असर साफ तौर पे आने वाले दिनों में कंपनी के मार्जिन्स पे दिख सकता है और जो भी कॉम्पिटिशन्स है उनको कड़ी टक्कर, उन जो फ्लाइट से पीयर कंपनीज है उनको इस मामले में टक्कर मिल सकती है। वैसे ही इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर, कंपनी पहले ही करीब करीब 62% लेके बैठी है, अब बिजनेस क्लास में घुस रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।